श्याम सुंदर भर मन इस दिन श्याम सुंदर सुख सागर हरि श्री राम सुख सागर हरि श्री राम भर मन इस दिन श्याम सुंदर Shri Harish Sharanam. Desire is never satisfied by the enjoyment of the objects of desire. Rather, it grows more and more, as does the fire to which the fuel is added. Nadatu kamah kamanam upavodena samyati havisha krishnavartaiva bhuya eva avivardhati. For the things which men, to judge by their actions, deem the highest good are riches, fame, or sensual pleasure. Of these, the last is followed by satiety and repentance. The other two are never satiated. The more we have, the more we want. While the love of the fame compels us to order our lives by the opinions of others, but if a thing is not loved, no quarrels will arise concerning it. No sadness will be felt if it perishes. No envy if another has it. In short, no disturbances of the mind. All these spring from the love of that which passes away. But the love of a thing eternal and infinite fills the mind wholly with joy and is unmingled with sadness. Therefore, the mind wholly with joy and is unmingled with sadness is greatly to be desired and to be sought with all our strengths. जैसे धुएं से अग्नि और मैल से दर्पण ढका जाता है तथा जैसे जेर से गर्भ ढक रहता है तथा उस कामना के द्वारा ज्ञान विवेक ढका हुआ है, तो धुआं दिखाई देने से यह सिद्ध हो जाता है कि वहां अग्नि है, क्योंकि अगर वहां अग्नि न होती तो धुआं के कहां से आता। अतः जिस प्रकार धुएं से ढकी होने पर भी अग्नि के होने का ज्ञान, मैल से ढका होने पर भी दर्पण के होने का ज्ञान और जेर से ढका हुआ होने पर भी गर्भ के होने का ज्ञान सभी में रहता है, उसी प्रकार काम से ढका हुए होने पर भी विवेक सभी में रहता है, पर कामना के कारण वह उपयोग में नहीं आता। शास्त्रों के अनुसार परमात्मा की प्राप्ति में तीन दोष बाधक हैं, मल, विक्षेप और आवरण। ये दोष असत संसार के संबंध से उत्पन्न होते हैं। असत का संबंध कामना से होता है, अतः मूल दोष कामना ही है। कामना का सर्वथा नाश होते कि असत से संबंध विच्छेद हो जाता है। असत से संबंध विच्छेद होने से संपूर्ण दोष मिट जाते हैं और विवेक प्रकट हो जाता है। परमार्थ प्राप्ति में मुख्य बाधा है सांसारिक पदार्थों के नाशवान मानते हुए उन्हें महत्व देना। जब तक अंतःकरण में नाशवान पदार्थों का महत्व है और वे सत्य, सुंदर और सुखद प्रतीत होते हैं, तभी तक मल, विक्षेप और आवरण ये तीन दोष रहते ही है। इन तीनों में भी मल दोष को अधिक बाधक माना जाता है। मल दोष पाप का मुख्य कारण कामना ही है, क्योंकि कामना से ही सब पाप होते हैं। जिस समय साधक दृढ़ निश्चय कर लेता है कि मैं अब पाप नहीं करूंगा,
उसी समय सब दोषों की जड़ कट जाती है और मल दोष मिटने लग जाता है। सर्वथा निष्काम होने पर मल दोष सर्वथा नष्ट हो जाता है। श्रीमद् भागवत में भगवान ने कामना वाले पुरुष के कल्याण का उपाय कर्म योग बताए हैं। कर्म योगस्तु कामिनाम, अतः कामना वाले पुरुषों के अपने कल्याण के लिए निराश नहीं होना चाहिए, क्योंकि जिसमें कामना आई है वही निष्काम होगा। कर्मयोग के द्वारा कामनाओं का नाश सुगमता पूर्वक हो जाता है। छोटी से छोटी अथवा बड़ी से बड़ी प्रत्येक लौकिक या पारमार्थिक क्रिया करने में मैं क्यों करता हूँ और कैसे करता हूँ, ऐसी सावधानी हो जाए तो उद्देश्य की जागृति हो जाती है। निरंतर उद्देश्य पर दृष्टि रहने से अशुभ कर्म तो होता नहीं और शुभ कर्मों को भी आसक्ति तथा फलेच्छा का त्याग करके करने पर निष्कामता का अनुभव हो जाता है और मनुष्य का कल्याण हो जाता है। परमात्म तत्व की प्राप्ति में कामना ही खास बाधक है। जैसे पानी से भरा हुआ घड़ा है और उसमें हमें दो काम करने हैं, उसको खाली करना है और उसमें आकाश भरना है, परंतु वास्तव में हमें दो काम नहीं करने हैं, प्रत्युत एक ही काम करना है, घड़े को खाली करना। घड़े में से पानी निकाल दें तो आकाश अपने आप भर जाएगा। ऐसे ही कामना का त्याग करना और परमात्मा को प्राप्त करना, ये दो काम नहीं है। कामना का त्याग कर दें तो परमात्मा की प्राप्ति अपने आप हो जाएगी। केवल कामना के कारण ही परमात्मा अप्राप्त दिख रहे हैं। मनुष्य दुखों से तो बचना चाहता है पर दुखों के कारण कामना को नहीं छोड़ता। कामना के रहते हुए स्वप्न में भी सुख नहीं मिलता। काम अच्छत सुख सपने हूँ नाहीं, भोग पदार्थों से कामना कभी पूरी नहीं होती। जो जो भोग पदार्थ मिलते हैं त्यों ही त्यों उनकी कामना बढ़ती है और जो जो कामना बढ़ती है त्यों ही त्यों अभाव का अधिक अनुभव होता है एवं अभावों को मिटाने के लिए मनुष्य पाप कर्मों से प्रवृत्त होता है। जैसे धन की कामना उत्पन्न होने पर मनुष्य धन की प्राप्ति में न्याय अन्याय का विचार नहीं करता, फिर कामना बढ़ने पर वह चोरी डाके आदि में लग जाता है, फिर और अधिक कामना बढ़ने पर वह धन के लिए दूसरों को जान से भी मार डालता है। इस प्रकार नाशवान सुख की कामना करने वाला मनुष्य अपने लोक और परलोक दोनों को महान दुख रूप बना लेता है। साधन की मुख्य बाधा है संयोग जन्य सुख की कामना। यह बाधा साधन में बहुत दूर तक रहती है। साधक यहाँ सुख लेता है वहीं अटक जाता है, जहाँ तक कि वह समाधि का भी सुख लेता है तो वहाँ अटक जाता है। सात्विक सुख की कामना आसक्ति भी बंधन कारक ही हो जाता है। सुख संगे न बदनाती, इसलिए यहाँ भगवान ने संयोग जन्य सुख की कामनाओं को विवेकी साधकों को नित्य बैरी बताए हैं। नते सुरमते बुधः दुःखमेव सर्वं विवेकिनः। जय श्री कृष्ण।